फ्रेंड्स देखेंगे करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। आज पूरा दिन आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए किस तरह से रहेंगी। शक्ति शिवा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, चैरियट, एट ऑफ वैंस। आज के दिन आपके पार्टनर और आपकी बातचीत हो सकती है, आप लोग मिल भी सकते हैं। बॉटम पे थ्री ऑफ कॉइन्स आया है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, ये जैसे मर्जी हो, आज आप लोग कम्युनिकेशन मोड पे आने वाले हो। ठीक है, बातचीत आप लोगों की होने वाली है, एंड चाहे वो किस तरह के भी हो, चाहे फाइट हो, थोड़ी बहुत जैसे एक ड्राइनेस रूडनेस हो सकता है, लेकिन बातचीत आप लोगों की ज़रूर होगी। एंड ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी और अचानक से बात होगी, जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्या अचानक से ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आज आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ मतलब चलता रहेगा। जब तक वो आपसे बात नहीं करें, उनको सुकून और चैन नहीं आने वाला। आज आज आप लोगों की बात होते हैं मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। कम्युनिटी मे बी आप लोग किसी फ्रेंड्स के मतलब जैसे किसी म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी वगैरह में जाओ, या किसी फ्रेंड की शॉप पे जाओ, वर्क प्लेस पे जाओ, तो वहाँ आप लोग की मुलाकात हो जाए, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से आप लोग मिलोगे। ऑल टाइड अप, द सन। तो फाइनली आप लोग यूनियन में आने वाले हो। थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकता है, जैसे मैंने बोला है, बॉटम पे वुमन होल्डिंग का हर्ट है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पर्सन आपको डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग किसी तरह से कांटेक्ट में आ जाओगे, आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, एंड मे बी आपको क्लैरिटी मिल जाए आप लोगों के कनेक्शन में। कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है, कुछ लाइट मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों का रिश्ते जैसे अगर स्टक थे, तो वो आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आज के दिन। ठीक है, थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, तो उस चीज़ को जाने दीजिएगा, होल्ड नहीं करके रखना नेगेटिव चीज़ों को। नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर भी करना चाहिए। जब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर सोचते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो कभी कभार हमें इन चीज़ों को ना रोक देना चाहिए। ठीक है ना, उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। माइंड, वही मैंने कहा, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखिएगा। ठीक है, अगर आप ओवर थिंकिंग करते जाओगे तो आप लोगों का जो न्यू बिगनिंग है पोस्टपोन होती जाएगी। तो आपको प्लीज़ ओपन माइंडेड होके इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग चलना है, नहीं तो आपको बार बार एक शॉक दिया जाएगा यूनिवर्स की वजह से। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अगर आप अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करोगे इस कनेक्शन में, ठीक है, ओवर थिंकिंग करोगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा होगे, दिल की नहीं सुनोगे, तो आपको झटके लगते रहेंगे या आपके पर्सन को। तो आपको उस चीज़ को समझना है, ये बहुत प्योर लव है, ट्रू लव है। तो इस कनेक्शन को आपको डिवाइन के हवाले करना है। जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे, चेस करोगे, सोचोगे अपने पर्सन को, आपका पर्सन उतना दूर होता चला जाएगा। तो आपको इस कनेक्शन को समझना है, अपने पर्सन को सोचिए मत, स्टॉक मत करिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं डिवाइन पे छोड़ दीजिए, आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। अगर लेकिन आप उनको स्टॉक करते रहोगे, उनको चेस करते रहोगे, पीछे भागते रहोगे ना, तो आपकी जो रिलेशनशिप की नई शुरुआत होने में डिलेज होते जाएंगे, पोस्टपोनमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को समझना है। तो ये आज की एनर्जीज आपके पार्टनर की। आई होप यू लाइक इट। गॉड ब्लेस यू।